Hey guys, what's up? So welcome back to our YouTube channel DKG Dexter Zone. तो guys, आज हमारा जो है टर्न है मैथ का. जैसे कि हम जानते हैं मैथ का हमारा टर्न है और मैथ में मैथ्स में गाइज हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, यानी कि तीन पार्टों में डिवाइडेड है मैथ. पहला पार्ट जो है हमारा बेसिकली फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा मैथ से रिलेटेड है. सेकेंड पार्ट जो है हमारा दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू LR लॉजिकल रीजनिंग. एंड थर्ड पार्ट जो है हमारा वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है. ठीक है, तो हम मैथ से शुरू कर रहे हैं पहले. ठीक है, तो मैथ के अंदर जो पहला चैप्टर है बेसिकली चैप्टर नंबर वन, जैसे कि आप देख सकते हो चैप्टर नंबर वन, वो रेशियो से रिलेटेड है. रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग, इससे रिलेटेड है. ये यूनिट वन है, ये यूनिट वन है रेशियो की, और ये प्रोपोर्शन यूनिट टू है, ये यूनिट थ्री है और ये यूनिट फोर है. ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो केवल दो यूनिट से रिलेटेड होगी, दैट इज रेशियो और दूसरा है प्रोपोर्शन. रेशियो एंड प्रोपोर्शन. और हम आज की क्लास में जो बेसिक्स है रेशियो के वो भी सीखेंगे पूरा एकदम अच्छे से, प्रोपोर्शन के जो बेसिक्स हैं वो भी हम सीखेंगे अच्छे से, और उसके साथ जो उनके पीछे एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी, ये भी हम साथ में सॉल्व करेंगे. यानी कि ये पूरे टॉपिक जो है आज हम बिल्कुल अच्छे से खत्म करके रख देंगे. ठीक है गाइस, आज की वीडियो थोड़ी लेंथी है जिसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा. रफली 2 घंटे की वीडियो है और ये आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि मैथ का सिलेबस बहुत है. और मैं चाहता तो मैं सिर्फ रेशियो रेशियो पे बात कर सकता था, बट मुझे पता है कि कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस पूरा करना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये 2 वीडियो जो है प्रोपोर्शन और रेशियो, ये आपको देखनी पड़ेंगी. दोनों का लिंक मैंने क्या कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. और ये वीडियो मैंने हालांकि पहले रिकॉर्ड कर रखी थी, लेकिन ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अलग से मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि ऑलरेडी मैं उस पर काम कर चुका हूँ. ठीक है, तो जो जो वीडियो ऐसी आएगी जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो मैं उसे साथ में आपको शेयर कर दिया करूँगा. बट आपको कंटेंट इसी तरीके से चलाना है जैसे मैं चला रहा हूँ. आज की जो हमारी क्लास है तो उसके अंदर आपको ये दोनों कवर अप करने, रेशियो और प्रोपोर्शन. तो ये तो होगी आज की बात. ठीक है, नेक्स्ट में जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी मैथ की, उसमें हम इंडाइसेस और लॉग खत्म करेंगे. ठीक है, तो आज का जो पॉइंट है हमारा इसके अलावा वो ये है कि ये तो मैथ का हो गया. कल जो आपने पढ़ा था पहले हमने अकाउंट्स का जो एक थ्योरी का यूनिट पढ़ा चैप्टर नंबर 10 का, और फिर उसके बाद हमने सामने लॉ का कंपनीज एक्ट एंड LLP से रिलेटेड पढ़ा. तो कल जो भी काम हुआ था उसकी आज एक क्विज शेयर की जाएगी आपको, वो टेलीग्राम पे शेयर की जाएगी. 25 क्वेश्चंस होंगे उसके क्विज के अंदर, और टेलीग्राम पे मैं आपको शेयर कर दूंगा. सारे ऑब्जेक्टिव होंगे और उसका एक जो है मैं कम्युनिटी सेक्शन में भी यूट्यूब पे डाल दूंगा. तो मुझे आप मुझे क्या करोगे, अपने जो आंसर्स हैं वो आप मुझे क्या करोगे, सेंड करोगे. ठीक है, आंसर्स आपके क्या है, मतलब वो आंसर्स आप मुझे सेंड करोगे अपने व्हाट्सएप पे. आप क्या करोगे, पेपर पे लिखोगे उनके आंसर्स कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का ये ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये ऑप्शन सही है, इस तरीके से. और जो व्हाट्सएप नंबर हैं आपके, बस सिर्फ मुझे उस पर एक इस फोटो भेज देनी है जो आपका पेज होगा. आप पहले उस पेज पे अपने आंसर्स लिखोगे और उसके बाद आप मुझे भेज दोगे. ठीक है, और उसके बाद मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा कि हाँ आपके जो आंसर इतने मार्क्स आए, यानी कि इतने में से इतने सही हैं. तो अभी हम 25 मार्क्स का ही रखते हैं उसको. एक अच्छे क्वेश्चन होंगे 25, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो हमने कल स्टडी करी थी उसमें से ये आ रहे हैं. ऐसे ही जो आज हो रहा है यहाँ पर, जैसे मैथ का हो रहा है और इकोनॉमिक्स का शाम को होगा, उसके कल 25 क्वेश्चन आएंगे मिक्सअप. अब जैसे 2 टॉपिक हैं यहाँ पे रेशियो के प्रोपोर्शन के, तो कोशिश करूँगा मैं कि 12 क्वेश्चंस जो है रेशियो से ले लूँ और 13 क्वेश्चन जो है प्रोपोर्शन से ले लूँ. वो हाँ कल के तो दोनों सब्जेक्ट के आएंगे ना, तो उस तरीके से मैं आपको क्या करता हूँ, क्विज प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है,
तो ये एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चंस जो है दूंगा, दिन में कभी भी दे सकता हूँ, वो मैं टाइम बाउंड नहीं करता क्योंकि फिर दिक्कत होती है, उसी टाइम पे देना होता है। तो 25 क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, है ना, और वो आपको मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप पे क्या करने हैं, भेज देने हैं। सिर्फ एक बार आप फोटो खींच के भेज दोगे, उस पर ज़्यादा क्वेरीज प्लीज़ मत करना कि ऐसा करूँ क्या, कि ऐसा करूँ, फोटो लेके भेजूँ, PDF भेजूँ, ये सब मत करना। इररिलीवेंट क्वेश्चंस करते हो ना गाइस, तो फिर अच्छा नहीं लगता। अगर आप काम की बात करो, पढ़ाई की बात करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ यहाँ पर अपनी इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, दोनों वीडियो आपको देखनी है, अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। और अगर आपको समझ नहीं आता कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे से उसको कमेंट बॉक्स में ही पूछोगे, वीडियो के नीचे कमेंट है यूट्यूब पे, वहीं पर आप मेरे से पूछोगे, उसे व्हाट्सएप पे नहीं पूछोगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।